जैसे बीपीएड वाले हैं उनको जो है रोजगार देने की बात उसमें चर्चा थी, शिक्षा मित्र को जो टेट पास है उनको परमानेंट करने की बात थी, 2011 वालों को जो है नियुक्ति देने की बात थी, और भी कुछ रोजगार नियुक्ति की बात थी। वो क्यों अपनी चीजें बताएगी किसी को तुरंत ही, जैसे कुछ लोग गए हैं और फिर आकर के वीडियो बना करके बता रहे हैं कि भाई हमने अधिकारी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कह दिया वैसा जी, भाई वही यही जान लीजिए, कल से आपका वीडियो हम बार बार देख रहे हैं, आया कि नहीं आया, आया कि फिलहाल आपकी वो बात हमको तो, याद थी कि इतनी जल्दी कोई चीज निकल के नहीं आएगी, लेकिन हम कभी भी जल्दबाजी में कुछ मिल जाए, हम कभी जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाते हैं। और शिक्षा मित्र के लिए वहाँ कल क्या मानदेय लिखा था क्या उसमें? नहीं, वेतन की बात, वेतन की बात हो रही थी। और वेतन किसको दिया जाता है? परमानेंट को ना जी। मानदेय किसको दिया जाता है? संविदा वालों को। तो मानदेय बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी ना, मानदेय की कोई उसमें चर्चा थी, वेतन की बात थी। और वेतन मतलब यानी परमानेंट करने की। और उसमें एक और जिक्र किया गया था, 5 वर्ष का छूट। तो इन मूर्खों की बात को छोड़ दीजिए, आज तक आपने इतने सारे नेता वेता देखे होंगे अपने संगठन में, जी। किसी की एक बात सही हुई हो बता दी आज किसी तक? किसी की नहीं भैया, किसी के लिए हम सही बता रहे हैं। जीवन में पहले मतलब जब से शिक्षा मित्र हुए हैं बहुत उतार चढ़ाव देखे भैया शिक्षा मित्र पीरियड में, बहुत बहुत, लेकिन अब पहली बार आपके उस पे चैनल पे विश्वास हुआ है, वही बता रहे हैं, आप ही को सुनते हैं तो थोड़ा ऑथेंटिक तो लगता ये है। बताइए, ये बताइए, अभी हम पुरानी बात नहीं करेंगे, आज की बात कर लेते हैं, कल की बात कर लेते हैं। हम लगातार कह रहे थे बीएड बाहर नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर फिर आ गया कि नहीं कि भैया नियुक्ति दो इनको, काउंसलिंग कराओ, तो आखिर बीएड अच्छा वाले को ले रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना आदेश पलट सकता? अच्छा गजट रद्द हुआ था आपने बताया था। हाँ देखिए, अच्छा भैया सुनिए, आप बीएड से है ना? हाँ बीएड वाले हैं। 2011? हाँ बिल्कुल 2011 वाले हैं। अच्छा ये जो 2011 की नियुक्तियाँ जो होनी है, जो रुकी हुई थी, ये मतलब किनकी होनी है, किनकी बची हुई थी? दरअसल मेरी एक सिस्टर भी है उसमें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कौन? हम शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, आप पुरीत भैया बोल रहे हैं? भैया वो कल वाली बैठक में कुछ शिक्षा मित्रों का नहीं हुआ क्या? किसने कहा नहीं हुआ? आपके वीडियो में खाली वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटा बता रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं बताया। आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? अरे बहुत सारे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तो हमारा परिवेश। हिंदी के जो किताब आप पढ़ाती हैं तो क्या हिंदी के किताब में इतिहास के चैप्टर रहते हैं या मैथ के चैप्टर रहते हैं या इंग्लिश के चैप्टर रहते हैं? नहीं हिंदी में हिंदी ही रहता है। हिंदी में हिंदी रहता है। अच्छा जब मैथ पढ़ाया जाता है तो मैथ के बुक में क्या मैथ में रहता है इतिहास, इंग्लिश, हिंदी? नहीं तो वो तो अपने विषय में अपना विषय ही रहेगा, वो तो इतिहास में ही जब रहेगा। आपको ये पता है, ये आपको पता है कि जिस विषय की बुक होगी उसी विषय से संबंधित उसमें तथ्य होंगे, तो आपने ये कैसे कह दिया कि ये वीडियो है उसमें ये नहीं है ये नहीं? जिस विषय पर वीडियो है तो वो चीज उसमें वही रहेगा ना? नहीं भैया जैसे आपने जब वो डाला आपने था कहा कि... आपने कहा कि हमने जो है वीडियो जो डाला है उसमें ये है ये है ये है, तो जिस टॉपिक पर वो वीडियो है उसमें वही मिलेगा या कुछ और मिलेगा? जी तो फिर आप क्यों ढूंढ रही हैं इतिहास की किताब में अंग्रेजी, अंग्रेजी की किताब में मैथ, मैथ की किताब में हिंदी, ऐसा क्यों कर रही हैं? पढ़ी लिखी है ना, समझदारी से बात कीजिए। वो वीडियो उस टॉपिक पर है तो जिस टॉपिक पर है वो चीज़ उसमें है। अब जब इस टॉपिक पर वीडियो बनेगा तो उससे संबंधित बात उसमें होगी। चलिए ये छोड़िए, तो अब बताइए, हाँ क्या जानना चाह रही हैं? हम यही जानना चाह रहे हैं भैया कि शिक्षा मित्रों के लिए कल मीटिंग में कुछ था या नहीं? पहले तो हमने वो लेटर डाला है ग्रुप में, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, नहीं वीडियो देखा होगा, तो आप ये सवाल क्यों कर रही हैं कि उस मीटिंग में शिक्षा मित्रों के लिए था या नहीं था? तभी तो लिखा हुआ था 7वें नंबर पर। नहीं भैया वो तो पूर्व की बात हो गई, अब मीटिंग के बाद वाली बात क्या निकल के आ रही है? कल से समझ लीजिए हम लोगों में एकदम उलझन मची है। आप जो है बोलते वक्त पहले ध्यान रखिए बोल क्या रही हैं। आपने पूछा कि कल की मीटिंग में शिक्षा मित्र के लिए था या नहीं, आपको सवाल क्या करना चाहिए कि कल की मीटिंग में शिक्षा मित्र का क्या हुआ आगे के लिए? सवाल ही आप गलत करेंगी। अगर बच्चे से पूछेंगी कि बेटा जो है सूरज किस दिशा में ढलता है, तो क्या वो पूरब जवाब देगा?
नहीं देगा, वो पश्चिम बोलेगा। पश्चिम और देगा। आप सवाल कर रही हैं कि सूरज किस दिशा में ढलता है और उम्मीद कर रही हैं कि जवाब मिले पूरब। सवाल तो सही कीजिए। आपने पूछा है कि कल जो है शिक्षा मित्रों का था या नहीं, तो उसके लिए एक लिस्ट पूरी जारी हुई थी। उस पूरे लिस्ट में पूरा एक एक पॉइंट जो है जिक्र किया गया कि किस किस विषय पर मीटिंग हो रही है। नहीं उसमें तो क्लियर था। तो अब आगे की बात कीजिए कि उस मीटिंग में क्या हुआ, अब आगे क्या होना है। ठीक है, जी तो हमने पोस्ट लिखा था, आपने पढ़ा होगा, हमने उसमें स्पष्ट लिखा था कि तुरंत ही कोई चीज के लिए उतावलापन जी हाँ, उचित नहीं है। ये भी सौ हमने दिन सुना था। हाँ 100 दिन की बात हमने उसमें लिखा है कि कोई भी काम शुरू होगा तो कम से कम उसमें मान के चलिए कि 2 महीने 3 महीने लगते हैं। और हमने ये भी जिक्र किया है कि कोई भी चीज करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होता है। ठीक जी है, ये भी हमने जी सुना होगा आपने। और समायोजन जो जी रद्द हुआ था उसका कारण यही था कि केंद्र सरकार उन्होंने से केंद्र सरकार अप्रूवल से नहीं नहीं लिया लिया। था। जी हाँ, 21 पॉइंट बताए गए कि किन कारणों से वो समायोजन रद्द कर रहे हैं, उनमें ये था भी अच्छा था। जैसे एक भर्ती आई थी 2012 में 72,825, वो जी भी जो है मैटर कोर्ट में चला, लेकिन कोर्ट ने उसको भर्ती नहीं कराया, उसका पैसा वापस हो रहा है, वो भर्ती रद्द हो गई है। क्यों रद्द हो गई? हाँ क्योंकि उस विज्ञापन के लिए भी केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था। नहीं लिया गया था। तो ये तो बात एकदम क्लियर है कि जो अथॉरिटी होती है उससे अप्रूवल लेकर के ही काम करना होता है। अगर आप जी जो है 1 लाख रुपए लगा करके स्कूटी खरीद लीजिए, उसके बाद आप उस स्कूटी को चलाएंगी तो आप पर जुर्माना लग जाएगा जब तक आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाएंगी ड्राइविंग नहीं का। बनवाएंगे जी। तो यानी कि जो अथॉरिटी है उसके पास आपको जाना होगा, वो आप उसके सामने आपको चला करके दिखाना होगा। जब वहां पर आप जो है चला के दिखा देंगे, अच्छे से चला रही होंगी, वहां से अप्रूव हो जाएगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब आप जो है कोई भी गाड़ी चलाइए जो लाइसेंस में लिखा हुआ है, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन अगर आपने अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं लिया है और आप 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी या 10 लाख की खरीदी या 50 लाख की खरीदी, अगर ले करके आप सड़क पर जाएंगी, पुलिस वाला पकड़ेगा तो चालान काटेगा, है ना? तो जी इस बात को एकदम स्पष्ट समझिए कि बिना अप्रूवल के कोई काम नहीं होता है। और अप्रूवल देने वाली केंद्र सरकार है, एनसीटी है, एमएचआरडी है। ठीक है, तो राज्य सरकार को जो भी करना होगा वो वहां पर प्रस्ताव भेजेगी। तो अभी कल जी जो मीटिंग हुआ है वो जी मीटिंग क्या हुआ कैसे हुआ, इतना जल्दबाजी मत कीजिए। 2 दिन 4 दिन में धीरे धीरे चीजें निकल के आएंगे। कोई अधिकारी तुरंत नहीं आते बता देगा किसी को भी, और अगर जी कोई पूछेगा भी, कोई वहां जाकर के उनसे पूछेगा भी, जैसे आप ही हैं, हम अभी आपके घर आ जाएं या कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए, आपसे पूछेगा कि घर में कितना पैसा रखी है, कितना जेवरात है, कहाँ कहाँ पर जमीन जायदाद है, बता देंगे आप? नहीं तो बताइए, आपका पूरी प्रॉपर्टी मिला करके जितना होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा बड़ा काम के ये राज्य सरकार कर रही है। तो वो क्यों जी अपनी चीजें बताएगी किसी को तुरंत ही? जैसे कुछ लोग गए हैं और फिर आकर के जी वीडियो बना करके बता रहे हैं कि भाई हमने अधिकारी से पूछा, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कह दिया, वैसा जी कह भाई, दिया। वही यही जान लीजिए, कल से आपका वीडियो हम बार बार देख रहे हैं, आया कि नहीं आया, आया कि फिलहाल आपकी वो बात हमको याद थी कि इतनी जल्दी कोई चीज निकल के नहीं आएगी, हम लेकिन कभी भी ये था कि जल्दबाजी कुछ में क्लू मिल जाए। वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों? देखिए, 11 तारीख को बीएड वाला जजमेंट आया, सब लोग जी कह रहे थे बीएड बाहर बीएड बाहर बीएड बाहर। अब हम क्या आराम से हाँ वीडियो बनाए, बाद में हमने बताया हम कहे बीएड बाहर नहीं है, गजट रद्द हुआ है। और जी आज देखिए एक वीडियो हमने डाला है, कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को रोका गया था, हाई कोर्ट ऑर्डर किया था, कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भैया इनकी काउंसलिंग भी करवाओ, इनको नियुक्ति पत्र भी दो, इनको ज्वाइन भी कराओ। कहाँ रुका बीएड? तो बीएड बाहर तो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं आप जो ये सब काम करो। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो गजट सिर्फ रद्द हुआ है, बीएड बाहर नहीं हुआ है। लोग जल्दबाजी में बस नहीं कोई चीज सुन लिए, सुनी सुनाई बातों को घुमा फिरा करके अपने हिसाब से। वही वही चीज कल से जो है कुछ लोग कहे लो, अब की अब फिर शिक्षा मित्रों के हाथ खाली, फिर शिक्षा मित्रों के, तब से भैया इतना टेंशन है, ये दिमाग सब खराब मूर्ख हैं। अभी आपके फोन आने से पहले एक फोन पर बात हो रही थी, एक शख्स थे, वो भी जी। शिक्षा मित्र थे, वो जिस तरह से बात कर रहे थे, अब बताइए, ना हम कोई अधिकारी हैं, ना हम कोई मंत्री हैं, ना हम किसी को नौकरी देना है, ना सैलरी देना है, अब बिना मतलब का वो बहस कर रहे थे। तो फोन अच्छा किए तो चर्चा करनी चाहिए। अब फ्रस्ट्रेट हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, शिक्षा मित्र नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं खुले, अब हमसे ये सब बातें करके पता नहीं क्या मिल रहा था। खैर,
तो कल जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में लगभग 20 पॉइंट रखे गए थे और हमने पोस्ट लिखा था, उसमें हमने बताया था कि ये सारी चीजें जो है होने जा रही हैं और इसमें लगभग 100 दिन लगेंगे, हमने पोस्ट में लिखा था। जी। और अभी ये मीटिंग करके फाइल तैयार करके ये फाइल भेजा जाएगा वित्त विभाग को। वित्त विभाग फिर बताएगा कि भैया हमारे पास कितना बजट है, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये फाइल जाए जो और मंत्री जी अधिकारी लोग हैं उन लोग के पास जाएगा, फिर वो लोग बताएंगे कि क्या रूल रेगुलेशन है, क्या अभी किया जा सकता है, किसके किसके लिए कहाँ कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, केंद्र सरकार से क्या लेना है, MHRD से, NCT से, कहाँ से क्या लेना है अप्रूवल। जी। तो वो सारी फाइल तैयार होगी, फिर प्रस्ताव भेजा जाएगा और प्रस्ताव जो है जो भेजा जाएगा ऊपर केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को कोई भी चीज डायरेक्ट कोई मंत्री नहीं भेजता है, वो CM आदेश करते हैं तब जाता है, तो CM साहब के पास जाएगी फाइल। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और ये लोग जो है कल का बस मीटिंग का सोच रहे हैं कि कल मीटिंग हो गई तो बस तुरंत हो जाएगा, ऐसे कैसे संभव है? नहीं, ऐसे तो नहीं संभव, ऐसे तो नहीं आप होगा। अपने स्कूल में इतने साल से हैं, आपने देखा होगा कि जो भी 500, 1000, 2000 जो भी आता होगा कि बच्चों को पेंसिल देना है, रबर देना है, कॉपी देना है, मोजा देना है, जूता देना, जो भी, तो उसकी एक प्रक्रिया होती होगी, उस प्रक्रिया को पूरा किए बिना, बिना रजिस्टर में लिखे बिना, बिना जो भी कागज पत्र उसको तैयार किए बिना वो काम नहीं किया जाता होगा, है ना? तो छोटा से छोटा काम भी सरकारी विभाग में बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी होता है तब होता है, ऐसे नहीं होता है। और यहाँ पर इतने सारे 20 पॉइंट थे और उस 20 पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, हर जगह पर मैक्सिमम उसमें कम से कम 10 पॉइंट ऐसे हैं, जैसे BPED वाले हैं उनको जो है रोजगार देने की बात उसमें चर्चा थी, शिक्षा मित्र को जो टेट पास है उनको परमानेंट करने की बात थी, 2011 वालों को जो है नियुक्ति देने की बात थी, और भी कुछ रोजगार नियुक्ति की बात थी। तो अगर 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग उसके अंतर्गत आ रहे हैं, 1 लाख भी आ रहे हैं, तो 1 लाख लोगों को अगर 40,000 रुपए से जोड़िए देना हो, कितना पैसा देना पड़ेगा? तो इतना बजट जो है एक दिन में और एक दिन उसकी प्लानिंग नहीं हो जाएगी ना। और कल जो भी मीटिंग में हुआ वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या कोई जो है प्रेस वाला हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनको नहीं बताना है तो क्यों बताएंगे वो? और उनको जब बताना ही होगा कि क्या हुआ मीटिंग में, वो किसी व्यक्ति को क्यों बताएंगे? अगले दिन अखबार में नहीं आ जाएगा? जी, वो तो है ही है। कोई चीज जो है, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का विवाह है, तो आप कहीं बातचीत चल रही होगी, आपके घर में कोई बहन या भाई है उसके विवाह की बातचीत कहीं चल रही होगी, भी आपके लोगों को नहीं बताना है, तो आप जो है कोई आएगा पूछेगा तो भी उसको नहीं बताएंगे, लेकिन जब तय हो जाएगा तो खुद ही आप कार्ड बांट देंगी, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही विभाग को जो चीज नहीं बताना है, कोई भी पहुंच जाए नहीं बताएंगे, और कोई चीज अगर बताना है तो किसी का इंतजार क्यों करेंगे? वो तो अगले दिन अखबार में आ जाएगा ना। जी। वो किन किन पॉइंट पर मीटिंग कर रहे हैं ये बताना था उनको, तो जो लेटर था वो वायरल हो गया, बाहर आ गया, अब मीटिंग में क्या हुआ वो अभी नहीं बताना है उनको, तो वो बाहर अभी नहीं आया है। और कोई भी अधिकारी मंत्री कोई भी जो है ऐसे किसी को पूछने को बताएगा नहीं, हम भी फोन करेंगे अभी तुरंत तो अभी कोई नहीं बताने वाला है, कोई नहीं बताएगा क्या हुआ। तो जितने लोग बोल रहे हैं कहीं भी कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो सब गलत बोल रहे हैं, वो मूर्ख लोग हैं, वो सोचते हैं कि वो बहुत बड़े नेता परेता अधिकारी हैं, वो जाएंगे और उनको जो है सारी फाइल दिखा दी जाएगी। वो कल मीटिंग में जो पॉइंट थे वो सारे पॉइंट करने के लिए रखे गए थे कि उन पर काम करना है। और शिक्षा मित्र के लिए वहाँ कल क्या मानदेय लिखा था क्या उसमें? नहीं, वेतन की बात, वेतन की बात हो रही थी। और वेतन किसको दिया जाता है? परमानेंट को ना। जी। मानदेय किसको दिया जाता है? संविदा वालों को। तो मानदेय बढ़ाने की बात नहीं हो रही थी ना, मानदेय की कोई उसमें चर्चा थी, वेतन की बात थी। और वेतन मतलब यानी परमानेंट करने की। और उसमें एक और जिक्र किया गया था 5 वर्ष का छूट, कि 5 वर्ष जो है समय दिया जाएगा जो टेट पास नहीं है। तो जब टेट पास करने के लिए 5 वर्ष का समय दे रहे हैं तो जो टेट पास है उन्हीं के लिए वेतन की तो बात कर रहे हैं वो, उन्हीं के लिए तो मीटिंग कर रहे थे कि इनको परमानेंट करके वेतन दिया जाए। और वो कह रहे हैं उस लेटर में कि जैसे अन्य राज्यों में, तो अन्य राज्यों में अगर जहां जहां BJP है
वहां पर अगर जी आप देखिए तो क्या किया है इन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए, परमानेंट किया है। तो भाई हर चीज को ध्यान से पढ़िए, डीपली समझिए। ये जो उछलते कूदते हैं लोग, फालतू बातें करते हैं, नेतागिरी करते हैं, नहीं उनकी बात भैया, हम छोड़ तो दीजिए। जब से हम लोगों का दोबारा ये सब गड़बड़ हुआ तब से हम देखना छोड़ दिए थे, लेकिन आप वाला थोड़ा ऑथेंटिक रहता है पूरा न्यूज़, तो देखते हैं। लेकिन अब कल से थोड़ा उलझन मची है, नहीं तो क्यों आपका नहीं आया तो हम फिर और भी क्यों देखने लगे, अब उसमें जो है दिमाग खराब हो गया। उलझन? नहीं तो देखिए, हम बार बार चर्चा करते हैं, कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक तितली की तरह है, एक मक्खी की तरह है। जो तितली का नेचर है वो है कि चाहे कहीं कितनी भी गंदगी हो, कुछ भी हो, वो लेकिन जब भी जाकर के बैठेगी तो फूल को ढूंढेगी, फूल पर बैठेगी। और जी मक्खी का नेचर है चाहे जितना भी अच्छा चीज हो, कुछ भी हो, साफ सफाई, हाँ, वो गंदगी गंदगी पर ढूंढेगी। जाकर के बैठेगी। तो ये जो इन लोगों की आप बात कर रही हैं, वो लोग सिर्फ गंदगी फैलाने वाला काम करते हैं। हाँ सही बात है भैया, कोई पॉजिटिव बात नहीं करते, थोड़ा सा दिमाग जो है दुरुस्त हो जाए। एक हफ्ते से बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी जब से आपका वीडियो जो है ये तो वाला ये पत्र बताइए, वाला आया है। वो क्यों करेंगे पॉजिटिव बात? आप जाती हैं डॉक्टर के पास, मान लीजिए आपको बुखार हो गया और गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा अरे बस पैरासीटामॉल खा लीजिए, सुबह शाम आज ठीक हो जाएंगी। तो आप उस, जी मान लीजिए उस डॉक्टर की फीस 100 रुपये है, आपने डॉक्टर को 100 रुपये दिया और उसने कहा पैरासीटामॉल, आप गई दुकान से पैरासीटामॉल खरीद लें और आप जो है खाकर ठीक हो गई। यानी 100 रुपये आपने डॉक्टर को दिया और 10 रुपये की दवाई खरीदा, 110 रुपये में आपका काम हो गया। लेकिन वो डॉक्टर जो है अगर आपसे कहे कि ऐसा है कि आप जांच करा लीजिए, पता नहीं डेंगू है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है, जांच करा लीजिए तो पता चल जाएगा। हाँ हो सकता है भाई आपको डेंगू हो गया, इस समय आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, आप वो जान रहा है कि आपको बुखार है, पैरासीटामॉल खाएंगे ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो आपको डराएगा, कहेगा जांच करा लीजिए, पता हो जाए कि डेंगू है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि क्या है। तो उसके बाद तो फिर अब क्या है, आपने डॉक्टर को फीस दिया 100 रुपये, अब जाएंगी जाँच कराने कहीं बाहर, तो वहां देंगी आप जो है जाँच का पैसा, मान लीजिए जाँच का पैसा 200 रुपये है, तो जी 100 रुपये डॉक्टर को दिया, 200 रुपये जांच वाले को दिया। अब फिर आएंगे जांच करा करके तो डॉक्टर कहेगा ऐसा है कि रिपोर्ट तो सब नॉर्मल है, दवाई लिख दे रहे हैं, ये पैरासीटामॉल आप सुबह शाम खा लीजिए, अभी भी वही पैरासीटामॉल आपको देगा खाने के लिए, कहेगा। लेकिन वो जो 200 रुपये जांच करवाया, उस 200 में आधा तो उसको मिलने वाला है डॉक्टर को, हाँ बिल्कुल तो वो क्यों आपको कहेगा शुरू में ही कि जो है बस पैरासीटामॉल खा लीजिए ठीक हो जाएंगे? वो जाने को पहले कहेगा ऐसा करिए पहले जाँच करा के आइए, तो जांच करा के आइए। वो क्यों डरा रहा है आपको? क्योंकि उसमें उसका फायदा है, 200 रुपये आप वहां देंगी तो डॉक्टर को 100 रुपये वहां से भी मिल जाएगा। जी तो जो डराता है वो इसलिए नहीं डराता है कि वो सच बोल रहा है, वो इसलिए डराता है कि कहीं ना कहीं फिर वो कहेगा कि धरना करो, कहेगा याची बनो, कुछ इस तरह की बातें करेगा फिर वो, चंदा दो। चंदा दो। तो ये डराने का जो खेल है हर जगह होता है, जैसे वकील है, मान लीजिए पड़ोसी से लड़ाई हो गया, अब वकील को आप थाना वाना हो गया, वकील के पास जाएंगी तो वो डराएगा आपको, जब डराएगा अरे वकील साहब देखिए कुछ कीजिए, अब वो जो वकील साहब का फीस 200 रुपया था, अब वो आपको डराएगा, कहेगा अरे ये करना पड़ेगा, इनसे बात करना होगा, ये करना होगा, ये तैयार करना पड़ेगा। अब वो आपसे कहेगा कि 200 रुपया हमारा फीस हो गया और ये जो जो तैयार करना है 1000 रुपये इसका हो हाँ, गया। इसका अलग से। मतलब 200 रुपये में जो काम होना था वो आपको डरा करके 1000 और ज्यादा लेगा। अब तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ बिकता है तो वो डर बिकता है। अभी आप घर में जो है समस्याएं हैं, 10,000 पा रही हैं, खर्चा नहीं चल पा रहा है, कहीं आपको कोई ढोंगी बाबा मिल जाए। जो बाबा जी लोग होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छे होते हैं, एक ढोंगी होते हैं। तो कोई ढोंगी बाबा मिल जाए, अब वो कहेगा ऐसा है कि एक जो है यज्ञ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये कीजिए, अब वो आपको दुनिया भर की लिस्ट थमा देगा, ये सामान ले लीजिए, ये पूजा करना होगा, डरा और आ करके आपसे उल्टा सीधा काम कराएगा। तो डर बहुत कुछ कराता है, ये जो डर है, बहुत सारे लोगों ने इस डर के कारण, बाबा जी ने कहा कि जो है किसी का जो है मुंडी काट के ले आओ, सर काट के ले आओ, तो लोगों ने सर तक काट के ले आए, वो पढ़ती होंगी अखबार। तो डर जो है बहुत कुछ करा देता है। तो डरिए नहीं, जितना डरेंगी लोग डराएंगे आपको। तो हम लोग उम्मीद बांधे रहे भैया, इसका मतलब 100 दिन तक। हमने कल परसों भी वीडियो डाला कि
आप नोट कर लीजिए तारीख, 100 दिन गिनती का गिन लीजिएगा, उस 100 दिन में 100% हो जाएगा। ये जो अभी कल मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में जो कुछ हुआ है वो कहीं बताया नहीं जा रहा है, क्यों बताएंगे वो। अभी ये जाएगा प्रस्ताव वित्त विभाग को जाएगा या अन्य जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएगा, वहाँ से अप्रूवल, सारी जानकारी कि आप क्या कर सकते हैं, किसके लिए तैयार हैं, उसके बाद सीएम साहब के पास जाएगा, उसके बाद जो है केंद्र सरकार के पास जाएगा। तो लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए हमने 100 दिन कहा। और इस मीटिंग में धीरे धीरे चीजें निकल करके आएंगी सामने, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा। और कोई भी अधिकारी जो उसमें बैठा था वो अभी कुछ नहीं कहेगा। जो लोग कह रहे हैं हम अधिकारी से मिलकर आए हैं, इनसे मिलकर आए हैं, वो ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए, वो बिल्कुल वैसा ही अनपढ़ जाहिल है, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि जैसे आपके घर कोई आ जाएगा तो आप अपने घर की बातें उसको अनजान व्यक्ति को नहीं बताएंगी, जिससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये लोग गए और ये मूर्ख ये समझते हैं कि इनको सब बता दिया जाएगा। तो इन मूर्खों की बात को छोड़ दीजिए, आज तक आपने इतने सारे नेता वेता देखे होंगे अपने संगठन में, किसी की एक बात सही हुई हो बता दी आज किसी तक? किसी की नहीं भैया, किसी के लिए हम सही बता रहे हैं। जीवन में पहले मतलब जब से शिक्षा मित्र हुए हैं बहुत उतार चढ़ाव देखे भैया शिक्षा मित्र पीरियड में, बहुत बहुत। लेकिन अब पहली बार आपके उस पे चैनल पे विश्वास हुआ है, वही बता रहे हैं, आप ही को सुनते हैं तो थोड़ा ऑथेंटिक लगता है। ये बताइए, ये बताइए, अभी हम पुरानी बात नहीं करेंगे, आज की बात कर लेते हैं, कल की बात कर लेते हैं। हम लगातार कह रहे थे बीएड बाहर नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर फिर आ गया कि नहीं कि भैया नियुक्ति दो इनको, काउंसलिंग कराओ, तो आखिर बीएड वाले को ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना आदेश पलट सकता? अच्छा गजट रद्द हुआ था आपने बताया था। हाँ देखिए, लोग जो है आप बीएड से है ना? हाँ हम बीएड वाले हैं। 2011? हाँ बिल्कुल 2011 वाले हैं। अच्छा ये जो 2011 की नियुक्तियाँ जो होनी है, जो रुकी हुई थी, ये मतलब किनकी होनी है, किनकी बची हुई थी? दरअसल मेरी एक सिस्टर भी है उसमें। 2011 में जी एक पहली बार टीटी ये हुआ मतलब था, नेट मेरिट पे जो हुआ था, तो उसमें जो बचे थे उन्हीं का होना है। बता रहे हैं, 2011 में टीटी परीक्षा हुआ था, तो जो लोग पास हुए थे उस समय भर्ती आई थी 72,000, तो उसमें आवेदन किए थे, ठीक है। तो जब उन लोगों को उस वक्त केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट जो लाई थी, तो सारे पद भरने थे, लेकिन उस वक्त 72,000 भर्ती निकाली गई, विवाद हुआ, कोर्ट गया, दूसरी तरफ शिक्षा में समायोजन कर दिया गया और उसमें नियमों को अनदेखी किया गया, वो भी चला गया मैटर कोर्ट में। और फिर 2017 में जो फाइनल ऑर्डर आया है, तो उसमें जो कोर्ट ने पाया वो ये पाया कि जो समायोजन हुआ है उसमें नियमों की अनदेखी हुई है, गलत तरीके से हुआ है, इस कारण से वो समायोजन रद्द हुआ। उसी दिन दूसरा ऑर्डर 2011 बीएड के लिए आया था, उसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो ये लिखा है कि ये जो समायोजन हुआ था 2014 में हुआ था, 14 में हुआ था ना आप लोग का? हम लोगों का हाँ 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 14। और ये जो 2011 टेट पास है, तो टेट हाँ। पास कैंडिडेट के रहते हुए समायोजन कर दिया गया अवैध, हाँ। जबकि हाँ, टेट पास दोनों का हाँ। और ये जो सीटें दी गई समायोजन में, ये सीटें टेट पास से भरना था, यानी कि जो 2011 वाले हैं ये उनको मिलना चाहिए था। तो उस वक्त जो है जो गवर्नमेंट थी, मायावती जी या अखिलेश जी, दोनों लोगों ने गड़बड़ी किया था, तो कोर्ट ऑर्डर हुआ था कि जितने भी 2011 वाले हैं सबको नियुक्ति दिया जाए। ये 2017 का जब ऑर्डर आया और शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, तो दूसरा जो ऑर्डर था उसमें सबको नियुक्ति देने के लिए कहा गया था जो भी 2011 टेट पास हैं, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छा। कोर्ट ऑर्डर में लिखा था शिक्षा मित्रों को दो मौके दिए जाए, तो गवर्नमेंट दो मौके दे रही थी, इस वजह से 2011 वालों का नहीं की। अब जब दो मौके पूरे हो गए हैं, तो जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है उसके अनुसार 2011 वालों को जो बचे हुए हैं टेट पास, उन सबको नियुक्ति देने जा रही है। और जो शिक्षा नहीं, जैसे भैया मेरी सिस्टर का 91 ही है उसमें टेट में, तो पास तो है, फिर क्या दिक्कत है, बस पास ही होने से मतलब है। तो मतलब जितने बचे थे सबका होना है, सबको हाँ, मतलब जिन्होंने फॉर्म डाल दिया था उनका सबका होना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में रोज 50 बच्चे मिड डे मील खाते हैं, ठीक है, और
किसी दिन जो है खाना बना और 40 बच्चे के लिए ही बन पाया, ठीक। तो उस दिन आप जब बच्चों को खाना देंगी तो 40 बच्चे खा लिए, 10 बच्चों को आपको कहना पड़ेगा कि बेटा जो है आज खाना कम है, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हुआ कि जो है 50 बच्चों के लिए खाना बना था, 50 क्या 50 से ज्यादा के लिए बना था, लेकिन 10 बच्चों को खाना खिला करके 40 को खाना देना जानबूझ के छोड़ दिया गया। तो दोनों में अंतर क्या है कि खाना कम पड़ गया वो तो समस्या है, लेकिन खाना रहते हुए नहीं दिया गया तो इस पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी करेंगे कि भाई जब था तुम्हारे पास खाना तो तुमने दिया क्यों नहीं। तो ऐसे ही जब कोर्ट में मैटर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश सरकार ने हलफनामा लगाया कि शिक्षा में समायोजन रद्द न कीजिए, हमारे पास 4 लाख पद और हैं, हम टेट वालों को वो 4 लाख पद दे दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास पद थे तो पहले किए क्यों नहीं इनका, पहले बिना टेट वालों का क्यों कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि शिक्षा में समायोजन के कारण टेट पास कैंडिडेट के जो है बीए टेट 2011 के कैंडिडेट के अधिकारों का हनन हुआ, ये कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसमें ऑर्डर में जितने भी बचे हुए हैं टेट 2011 के, चाहे वो जनरल का 90 नंबर वाला हो या ओबीसी एससी एसटी 82 नंबर वाला, सबको नियुक्ति देने के लिए कोर्ट ने कहा कि ये उनको मिलना चाहिए था, पहला हक उनका बन रहा है क्योंकि वो टेट पास थे और कोई दूसरा टेट पास उस वक्त था नहीं। तो कोर्ट ऑर्डर में ये चीज लिखा हुआ है, लेकिन 2017 में ऑर्डर आने के बाद से अब तक गवर्नमेंट ने अभी तक वो काम किया नहीं, अब वो करने जा रही है। अच्छा। क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में एक चीज और लिखा था कि शिक्षा मित्र को जो है पहले 2 मौके देने थे, तो वो 2 मौके दे दिए। अब जो कोर्ट ऑर्डर में जो जो शर्तें हैं वो सारी पूरी कर रहे हैं, उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जितने भी बीए टेट 2011 हैं सबको नियुक्ति देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उसी कोर्ट ऑर्डर से आया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितने भी बीए टेट 2011 हैं सबको नियुक्ति, जितने भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं सबको परमानेंट सहायक अध्यापक प्राइमरी में, और जो नहीं टेट सी टेट पास हैं तो उनको 5 साल का समय भी दे रहे हैं, और हम लगातार बता रहे हैं कि उनका प्री प्राइमरी में भी हो जाएगा। जी। तो एक एक करके धीरे धीरे चीजें होंगी ना। अच्छा, ये प्री प्राइमरी वाला सिस्टम कब से शुरू होगा भैया, कुछ आइडिया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि कक्षा 1 और 2 वो प्री प्राइमरी में जाएगा। जी जी, ये तो पता है, लेकिन जिसे लेकिन कब अभी से गया होगा ये नहीं पता। अभी गया तो नहीं है ना, अभी तो प्राइमरी में ही चल रहा है, जी। है ना। तो अभी ये काम उसमें लिखा है कि ये काम करना है, कब करना है इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो आने वाले समय में हो सकता है अगले साल या उसके अगले साल ये चीज हो, तो अभी उसमें थोड़ा समय है। अभी तो प्री प्राइमरी पूरी तरह से शुरू कहाँ हुआ, अभी तो बाल वाटिका आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो अपनी बहन से बता दें भैया कि उसका जो है उस समय एकेडमिक टेट मेरिट से हुआ था, एकेडमिक उसका अच्छा था, टेट में सिर्फ 91 था, तो उससे हमने परसों बताया, हम कहे ये भी चर्चा होनी है, तो कहे कि कहाँ टेट मेरिट से हुआ था, तो टेट मेरिट ही तो जो बच्चे होंगे उन्हीं का तो पद भरेंगे। नहीं तो उनको बता दीजिए कि एकेडमिक वगैरह जो भर्ती थी वो जो है नहीं होनी है, उसका पैसा वापस हो रहा है, और जो 2011 वाली भर्ती थी वही मूल विज्ञापन था, उसी के आधार पर जहां तक जो लोग नियुक्ति पाए थे उसके आगे जो बचे लोग हैं सबको नियुक्ति गवर्नमेंट देने जा रही है। बता दीजिए उनको और कह दीजिए ग्रुप से जुड़ जाएं और अपडेट लेती रहें, नहीं तो फिर कोई चीज जो आएगा और उनको पता नहीं चलेगा तो फिर रह जाएंगी। हाँ, नहीं पता उनको नहीं था, हम ही ने बताया, फिलहाल आप आज बता देंगे, उनको जुड़ जाएगी। उनको बोल दीजिए कि नियुक्ति मिलने जा रहा है, उनको ये भी बता दीजिएगा कि 100 दिन लगेंगे, करीब 3 महीना करीब लगेगा। हाँ, ये नहीं कि ऐसा तुरंत हो जाएगा। नहीं भैया, इतना दिन इंतजार किया तो 100 दिन 150 दिन तो हो ही जाएगा। हाँ, तो उनसे कह दीजिएगा थोड़ा समय लगेगा। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है वो ग्रुप से जुड़ करके लेटेस्ट न्यूज लेती रहें, ठीक है। और आप लोगों का जो उसमें लिखा हुआ है और हम भी लगातार काफी समय से बता रहे हैं कि संविदा समाप्त होगा, मानदेय नहीं बढ़ेगा और परमानेंट किया जाएगा, जो टेट सीटेट पास हैं उनको प्राइमरी में, जो टेट सीटेट पास नहीं हैं तो गवर्नमेंट एक और रास्ता निकाली है, 5 साल का टाइम भी दे रही है, और जब केंद्र सरकार 1-2 को प्री प्राइमरी में ले जाएगी तो प्री प्राइमरी में तो कर ही देगी।
जी, उसमें तो और बाकी नेगेटिव अच्छा, तो लोगों जैसे को जैसे प्रक्रिया इन लोगों की बढ़ती रहेगी वैसे वैसे न्यूज निकल के आती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी भी ये उम्मीद मत किया कीजिए कि कोई मीटिंग हो रही है तो कोई भी काम या कोई भी खबर पक्की जो है तुरंत निकल के आ ही जाओ, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अगर नहीं आई है, अगर कोई न्यूज अंदर से निकल के आई होती पक्की जो है, जी तो बताइए कोई अखबार वाला ऐसा रहता जो ना छापता? जी 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 बिल्कुल तो सही क्या बात है क्या कोई आपकी। अखबार वाला छापा इसका? नहीं ना। नहीं तो यहाँ जब पेपर में तो तो कुछ इसका नहीं है। मतलब है कि अंदर से कोई न्यूज निकल करके नहीं आई है। तो जब अंदर से न्यूज निकल के आई ही नहीं है तो लेकिन लोग भैया पेपर में और जितने हम लोगों के शिक्षा मित्र वाले ग्रुप बने हैं उसमें उसमें भी ये सब मतलब ये पत्र वाली बात ही नहीं थी, ये तो आपके थ्रू पता चला या तो एक ग्रुप में कहीं थोड़ा सा पढ़ा तो था कि हाँ ये वही तो तो बता करते। रहे हैं कि ये लोग वो बातें क्यों करेंगे। ये लोग डराने वाली बातें करेंगे, डरा करके चंदा मांगेंगे, याची बनाएंगे, धरना में बुलाएंगे, वो क्यों डालेंगे लेटर इस तरह का, ये सब बातें क्यों बताएंगे? उनका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो समझा कीजिए कि कौन किस जो है खुरापाती दिमाग से चल रहा है। तो इन लोगों से दूर रहिए। वो लेटर अब ये बताइए, वो लेटर हमने तो नहीं लिखा है ना, मेरे हाथ का तो लिखा है नहीं नहीं, नहीं वो विभागीय लेटर था ना। अब जी, विभागीय लेटर हम हमारे पास आया, हम शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास भी आया होगा। यही यही चीज से और वो था ना, उम्मीद थी भैया कि विभागीय लेटर विभाग अपने पास से पलटेगा तो है नहीं। और ये देखिए ना, उस विभागीय लेटर में अभी तक जब भी कोई बातचीत होती थी, मीटिंग होता था, चर्चा होती थी, तो मानदेय की बात होती थी। लेकिन जी इसमें जो है पहली बार चर्चा हो रहा है कि जैसे अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों के लिए किया गया है, तो उस तरीके से सैलरी देने की बात, यानी परमानेंट करके सैलरी देने की बात, और 5 वर्ष जी जो टेट सीटेट पास नहीं उनको 5 वर्ष समय देने की बात कि 5 वर्ष में कर लें। तो ये कौन सा मॉडल है जो उत्तराखंड में हुआ है? सेम वही चीजें तो हैं, यहाँ बात कर रहे जी हैं। तो ये जो कल मीटिंग हुई है, ये मीटिंग वास्तव में हुई है? ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला ना कोई यूट्यूब यहाँ वहाँ जो कह दे कि कल मीटिंग हुआ ही नहीं है? कोई मिला ऐसा? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। सब कह रहे हैं ना मीटिंग हुआ है, तो इसका मतलब है जी कि वो जो लेटर है वो सही था। जी जब लेटर सही था, हमें मिला, हम शेयर किए, उन लोगों ने क्यों नहीं शेयर किया? और जब कल मीटिंग हुआ है और इन लोगों को भनक नहीं लगी, लेटर नहीं मिला, तो फिर मीटिंग में क्या हुआ इसकी भनक कैसे लग जाएगी? कोई क्यों इनको बता देगा? तो कुल मिलाकर के वो लेटर सही था, मीटिंग हुई है, और मीटिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं था, जो लिखा था उन्हीं पर आगे बढ़कर उस काम को पूरा करने के लिए मीटिंग हुआ है। चर्चा करने का विषय खाली नहीं था, वो मीटिंग वो काम करने के लिए हुआ। अब वो मीटिंग की जो भी फाइलें हैं वो तैयार करके जहाँ जहाँ अप्रूवल लेना है, जिनसे जो भी पास कराना है वहाँ भेजा जाएगा। जब सारी चीजें हो जाएंगी, केंद्र सरकार से अप्रूवल मिल जाएगा, तब खुद ही देखिएगा, गवर्नमेंट खुद बताएगी, अखबार वाले खुद छापना शुरू कर देंगे। जी तो बस धैर्य रखिए, इन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करने वाले हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए, और भी जो लोग हैं उनको बताइए कि नहीं जो ठीक है। भैया ठीक बता रहे हैं। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक नमस्ते। नमस्ते।